बुक सेंटर के लिए एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें बुक नेम बुक क्वांटिटी बुक का रेट इनपुट करें और यदि क्वांटिटी 10 या इससे अधिक हैं 10% डिस्काउंट दिया जाए। पंद्रह या इससे अधिक हैं 20 या इससे अधिक हैं तो 20% डिस्काउंट देते हुए 20 या इससे अधिक है तो 25% ऐसा करें 20 या इससे अधिक है तो 25% डिस्काउंट देते हुए नेट अमाउंट ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेना होगा टैक्स बॉक्स, हम ले लेते हैं एक लेबल और इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें टैक्स बॉक्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले टैक्स बॉक्स में आ जाएगा हमें बुक का नाम, बुक के बाद बुक का क्वांटिटी कितनी मात्रा हम ले रहे हैं, क्वांटिटी के बाद क्या रेट बुक का है, ठीक है, इसके बाद दोनों के बेस में निकलेगा हमारा अमाउंट, इसके बाद हमें गणना करनी है डिस्काउंट की, डिस्काउंट निकलने के बाद हमें यहाँ पर गणना करना है नेट अमाउंट, ठीक है। लेबल में हम एक और लेबल ले लेते हैं जिसमें बुक सेंटर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दिया शुभम बुक सेंटर, ठीक है। आप चाहें तो इसका साइज बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से फॉन्ट में जाएं और यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप यदि इसका कलर भी करना चाहते हैं तो फॉर कलर में जाएं, जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार फॉर्म में भी आप डिज़ाइनिंग स्टाइल कलर सेट कर सकते हैं। तो फॉर्म को सिलेक्ट करें, ये फॉर्म को सिलेक्ट किया, ये बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पर नाउन है, इसको डॉट्स को क्लिक करिए और यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज को क्लिक कर इम्पोर्ट को क्लिक करिए। जहाँ पर भी आपके पिक्चर्स हैं तो हम यहाँ पर डी ड्राइव से कोई पिक्चर्स ले लेते हैं या फोटो ले लेते हैं, थंबनेल व्यू नहीं आ रहा है, हमारी सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या थोड़ा व्यवस्थित दिखाई देगा, ये ले लिया। इसके बाद हम लेबल के सभी के नाम देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बुक नेम, बुक नेम के बाद हमने अगला क्या दिया है तो वो दिया है हमने क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद उसका पर रेट क्या है, रेट यदि हमने दिया तो क्या निकाल सकते हैं हम अमाउंट निकालने के बाद हमें करना है डिस्काउंट की गणना, डिस्काउंट और इसके बाद हमें निकालना है नेट अमाउंट, ठीक है, ये हमारे टूल्स हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर एक लेते हैं बटन जिसका नाम इनपुट बटन होगा, तो हम यहाँ से बटन को असाइन कर लेते हैं अपने फॉर्म में, ये बटन है इनपुट और शो, चाहे तो इसी को कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटन लिया है और इस बटन का नाम हम देते हैं इनपुट, इनपुट भी इसी से करवा सकते हैं, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे और इसका नाम हम देते हैं इनपुट पब्लिक शो, भी हम इसी से करवा सकते हैं, इसका नाम देंगे हम शो बटन, ठीक है।
अब हम इसमें यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन कोड विंडो पे जाते हैं और पब्लिक क्लास पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। टीम बुक नेम के लिए bn लिया कॉमा क्वांटिटी कॉमा rt rt ने रेड, इसके बाद निकालना है हमें अमाउंट। एज ए बुक नेम तो एज ए स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो हम यहाँ पर पहले इसको इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं और जो bn है इसको यहाँ से हटा देते हैं और टीम डिक्लेयर करते हैं bn एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें किस वेरिएबल की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी ले लिया, रेट ले लिया, अमाउंट ले लिया, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट एक्चुअली वो फ्लोटिंग वैल्यू है, तो डिम DIS या DI एज ए फ्लॉट जिसमें सिंगल हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें वैल्यू पुट करना है, तो बटन से हम वैल्यू इनपुट करेंगे, क्या देंगे BN इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर एनी नेम या बुक नेम, कौन सी बुक हम लेना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। इसके बाद बुक का क्वांटिटी देंगे तो क्यूटीफाई इक्वल यानी क्वांटिटी इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर बुक क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद हम देंगे यहाँ पे आरटी इक्वल इनपुट बॉक्स एंटर बुक रेट। अभी हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा, अभी हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जिनके आधार पर किस प्रकार की कैलकुलेशन हो, डिज़ाइन कैसी हो प्रोग्राम, वो चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी आ गया, अब रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे आरटी सॉरी रेट नहीं अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इक्वल रेट यानी आरटी इनटू किसका कर देंगे क्वांटिटी। ठीक है ना, यानी हमारा 100 रुपये की एक बुक है और 10 बुक है तो हम दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अमाउंट निकालने के बाद हमें एक और चीज़ निकालनी है, वो निकालना है इस पर डिस्काउंट, और डिस्काउंट में हमने कंडीशन लगा रखी है कि यदि क्वांटिटी 10 या इससे अधिक हो तो 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं इफ़ स्टेटमेंट, क्या कंडीशन दी गई, तो हमें दिया गया क्वांटिटी बड़ा हो बराबर हो किसके, तो बोले 10 के। ठीक है, तो क्या करें, तो जो DIS है इक्वल DI नाम का वेरिएबल लिया हमने, DI इक्वल उसमें क्या आ जाए, इस अमाउंट का जो भी अमाउंट आया, माना कि 1000 रुपये आए, तो 1000 का कितने परसेंट निकालना है 10, तो हम देंगे इनटू 10/100, तो ये हमारा 10% की गणना हो जाएगी। लेकिन अगली कंडीशन दी गई कि यदि क्वांटिटी कितनी हो 15% हो तो कितना परसेंट डिस्काउंट निकालना हमें 15% डिस्काउंट निकालना है, तो हम यहाँ पर फिर से असाइन करते हैं इफ़, यहाँ पर देंगे क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल 15। अब देखिए यहाँ पर यदि 10 के बाद 12 आता है तो सीधी सी बात है कि 10 से बड़ा है, लेकिन यदि 16 आता है तो क्या 10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर 10 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, वो तो ऐसी स्थिति में मिसमैच होता है, यानी उसको दोनों चीज़ ट्रू हो रही है, तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन और लगानी होगी कि क्या हो क्वांटिटी बड़ा हो बराबर हो 10 से एंड क्वांटिटी लेस देन 15, ये हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी एंड लॉजिक यहाँ पर लगाना होगा कि किससे बड़ा हो 10 से तो बड़ा हो और छोटा किससे हो 15 से छोटा, यानी ग्रेटर देन इक्वल 10 और लेस देन 15, क्योंकि 15 के बाद हम अगली कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में हम डिस्काउंट कुछ और चाहते हैं, अब यहाँ पर जो भी डिस्काउंट चाहते हैं तब क्या हो इफ़ यदि क्वांटिटी बड़ी हो बराबर 15 के, अब क्या करें, तो DI इक्वल अमाउंट इनटू कितने परसेंट की बात कर रहे हैं अपॉन 100। अब अगली कंडीशन इसमें भी क्या दे रहा हूँ, इफ़ क्वांटिटी बड़ी हो बराबर हो किसके 20 के, तो यहाँ पर भी वही स्थिति आएगी, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम लॉजिक लगाएंगे
एंड लॉजिक। एंड क्या हो, क्वांटिटी लेस देन 20, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर DI इक्वल अमाउंट इनटू कितने परसेंट की बात करें, 25/100, यानी इससे इतना भी बड़ा हो कितना ही हो फिर, अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे, ऐसे तो फिर 100 होगा तो क्या 100% डिस्काउंट देंगे, नहीं नहीं हमने कहा कि 20 से यदि कोई भी कस्टमर ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो उसको 25% डिस्काउंट दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात कही। अब यदि किसी ने 5 बुक ली 7 बुक ली तो क्या, तो हम यहाँ पर else करके दे सकते हैं एक कंडीशन, फिर ऐसी स्थिति में DI इक्वल कितने परसेंट बोले 5% डिस्काउंट दे, तो अमाउंट इंटू 5/100, 5/100 ये गणना करें। यदि किसी 2-5 यानी 10 से अंडर में लेता है तो कितने परसेंट डिस्काउंट आए, 5% डिस्काउंट। अदरवाइज यदि 10 से ज़्यादा लेता है 10% 10 तक लेता है यानी 10 से तो 14 तक लेता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, 10%। 15 से तो 20 तक लेगा यानी 19 तक लेगा, 20 पे तो अगली कंडीशन आ गया, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा, 15%। और यदि 20 से कितनी ज़्यादा लेगा तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 25% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट दिया, अब हम इन डिस्काउंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कितना दिया। तो यहाँ पर हम अभी तो हमने अमाउंट को भी प्रिंट नहीं किया ना ही बुक को प्रिंट किया, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1. टेक्स्ट में क्या आ जाए, तो बोले बुक का नाम आ जाए। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2. टेक्स्ट इक्वल क्या आ जाए, तो बोले क्वांटिटी आ जाए। फिर टेक्स्ट बॉक्स 3. टेक्स्ट क्या आ जाए, बोले रेट आ जाए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या निकाला, अमाउंट, तो हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स 4. टेक्स्ट इक्वल AMT, ठीक। इसके बाद अमाउंट के बाद डिस्काउंट बाद में निकला, तो जब निकला है इसके बाद यानी इफ स्टेटमेंट के बाद हम यहां पर लगा सकते हैं डिस्काउंट, तो हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स 4 के बाद 5. टेक्स्ट इक्वल क्या आ जाए, उसमें DI आ जाए डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बाद हमें क्या करना, करना यहाँ पर नेट अमाउंट निकालना, तो नेट अमाउंट निकालने के लिए अब यहाँ पर हम दे सकते हैं, अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नेट अमाउंट निकालना है, तो NT नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम फ्लोटिंग ले लेते हैं उसको सिंगल में NT, क्योंकि डिस्काउंट हमारा पॉइंट में जाएगा तो नेट अमाउंट भी सीधी सी बात है पॉइंट में निकलेगा, तो NT नाम का वेरिएबल लिया। अब क्या करेंगे हम, NT निकालने के लिए, नेट अमाउंट निकालने के लिए इक्वल NT इक्वल अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट, तो वो कहाँ आ जाए, तो वो आ जाए टेक्स्ट बॉक्स 6. टेक्स्ट इक्वल क्या आ जाए, NT आ जाए, ठीक। ये सब कुछ हो जाएगा इसमें, हम रन करते हैं, इनपुट एंड शो क्लिक किया, बुक का नाम हमने माना है कि बुक परचेस की DCA की, क्वांटिटी हमने 10 बुक ली, रेट माना कि ₹120, 10 बुक ली इसलिए हमारा 1200 का 10% निकला है, यानी डिस्काउंट कितना ₹120 निकला, ठीक है। नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट हुआ था ₹1200, जिसमें से ₹120 माइनस कर दीजिए, तो अब हमारा अमाउंट कितना बच रहा है, ₹1080 जो हमें पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक निकल गया, यदि आप इससे ज़्यादा लेते हैं, हमने लिया बुक DCA, क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी हमने 15 लिया, रेट वही ₹120 है, अब हमारा कैलकुलेशन डिस्काउंट अब भी ₹120 आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, चेक करते हैं।
जो गलती हमारी हुई थी वो ये कि हमने यहाँ पर else नहीं लगाया था, if के बाद else लगेगा, ठीक है, तो अगली कंडीशन को चेक करेगा, वो else ना होने पर वो एक ही कंडीशन चेक करा, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी आप दे सकते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन होकर के आएगा। इनपुट हमने बुक लिया DCA का, क्वांटिटी वही हमारे सॉरी क्वांटिटी हमें चेंज करना है। यदि क्वांटिटी लेते हम 20, रेट वही हमारा 120, तो यहाँ पर नेट अमाउंट बना 2400 रुपये, लेकिन डिस्काउंट में अंतर आ जाएगा, अब 600 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप एक ही बुक कम लेते हैं, यहाँ पर बुक हमारी वही है DCA की, क्वांटिटी हमारी 19 है और रेट वही 120 रुपये है, अब 342 रुपये, क्योंकि अब जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 15% मिल रहा है आपको, और इसके पहले 20%, एक क्वांटिटी बढ़ा देते तो आपका सॉरी 20% नहीं 25% मिलेगा। आप निकाल लीजिए 20 × 15/100, 342 रुपये, 15%। यानी यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जा रहा है, एक से अधिक हम कंडीशन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम में कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बैलेंस शीट में असेट साइड में कहाँ चलेगी, बैलेंस शीट में पता चलेगी,